बुलंदशहर में खाकी अपराधियों का काल बन गई है। यहां पुलिस ने एक ही रात में सराफा से लूट की घटना में वांछित 50-50 हज़ार के दो इनामी बदमाशों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। बुलंदशहर की नगर पुलिस ने नामी आशीष और खुर्जा नगर खुर्जा देहात व पहासू पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में अब्दुल नाम के इनामी को मार गिराया। बता दें कि मुठभेड़ में मरने वाले दोनों इनामी बदमाशों पर करीब 1-1 दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि इन दोनों पर 2 महीने पहले बुलंदशहर नगर कोतवाली क्षेत्र के धमेड़ा अड्डे पर दिन दहाड़े एक सराफा को गोली मारकर उसकी दुकान लूटने का भी आरोप था। मामले में पुलिस इनके कई साथियों को तो पहले ही जेल भेज चुकी थी, मगर आशीष और अब्दुल घटना में वांछित चल रहे थे। काबिले गौर है कि सराफा से लूट की इसी घटना में बुलंदशहर पुलिस की ओर से दोनों बदमाशों पर 50-50 हज़ार के नाम घोषित किया गया था। मुठभेड़ में मरने वाले आशीष की पहचान बुलंदशहर देहात कोतवाली क्षेत्र के गांव एमनपुर निवासी के रूप में हुई, जबकि अब्दुल खुर्जा देहात के गांव भटवारा का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों की माने तो मुखबिर की सूचना पर अलग अलग थाना क्षेत्रों में इन दोनों बदमाशों की घेराबंदी की गई, मगर खुद को पुलिस के बीच घिरता देख बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी गई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस टीम की ओर से भी फायरिंग की गई, जिसमें पहासू में अब्दुल और बुलंदशहर नगर में आशीष ढेर हो गया। हालांकि इस मुठभेड़ में बुलंदशहर नगर में आशीष की गोली लगने से आवास विकास चौकी के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर परवेश चौधरी व सिपाही वीरेंद्र सिंह घायल हुए हैं, जबकि पहासू में हेड कांस्टेबल सितम सिंह को अब्दुल की गोली लगी है। आपके टीवी स्क्रीन पर ये दो तस्वीरें हैं। एक तस्वीर अब से करीब 2 महीने पहले की है, वह सीसीटीवी फुटेज है जिसमें बेखौफ अपराधी दिन दहाड़े दुकान लूटने से पहले खौफ कायम करने के लिए सराफा को गोली मारकर उसकी दुकान लूटते नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरी तस्वीर आज की है जिसमें घटना में वांछित आशीष और अब्दुल को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। हालांकि आशीष का परिवार इस एनकाउंटर पर सवाल उठा रहा है, मगर एसएसपी ने इन बातों को भ्रामक बताते हुए पूरी कार्यवाही को कानूनन दायरे में बताया। सर, बुलंदशहर जनपद में 2 एनकाउंटर हुए हैं, उनमें 2 मुठभेड़ हुई थी जिनमें कि आपके अस्पताल में कुछ घायल और कुछ मृतों को लाया गया था। क्या पूरा मामला है, कितने घायल है, कितने मृत हैं? तो रात में 10:30 बजे के लगभग एक आशीष नाम का एक अपराधी को लेकर आए थे पुलिस वाले। उसकी हालत सीरियस थी, उसके गोली लगी हुई थी छाती में। तो उसके बाद में यहाँ ट्रीटमेंट किया और फिर उसको रेफर कर दिया हायर सेंटर के लिए। रास्ते में जाकर उसकी मृत्यु हो गई, उसे फिर वापस ले आए, फिर इमरजेंसी में उसका जो है कागज़ वगैरह तैयार करके मोर्चरी में शिफ्ट कर दिया। उसको 2 सिपाही घायल हुए, 1 सिपाही और 1 दरोगा घायल हुए थे, उनको जो है ट्रीटमेंट के बाद में उन्हें भेज दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा चोट नहीं थी उनकी, जो चोट थी बहुत कम थी, गोली रगस्ती हुई निकल गई थी, तो उनके बाद रिफ़र कर दी, मतलब रिफ़र करने वापस कर दे चले गए। सुबह के टाइम 6 बजे के लगभग फिर एक अब्दुल नाम का एक आया था अपराधी, और उसको जो है वो हालत तो उसकी भी ज़्यादा अच्छी तो नहीं थी, तो उसे तो रिफ़र कर दिया मेरे हायर सेंटर के लिए। उसके अलावा सर कोई और घायल सिपाही कोई आया होगा? मैं पता करके मैं आपको बताऊँ। पुलिस ने 2 लुटेरों को मार गिराया है, ये किस मामले में वांछित चल रहे थे और किस तरह का इनका आपराधिक रिकॉर्ड है? कुछ दिन पूर्व थाना कोतवाली नगर में एक घटना हुई थी जिसमें कि 2 लोगों ने एक ज्वेलरी शॉप में घुसकर फायरिंग करी थी और कुछ सामान लूट कर ले गए थे। इस घटना से संबंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें लगी हुई थी। इन दोनों अभियुक्त पर 50-50 हज़ार रुपये का इनाम था और ये दोनों ही शातिर किस्म के अपराधी थे जिनका पूर्व का भी लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास था। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में कल देर रात्रि एक मुठभेड़ हुई जिसमें कि आशीष नाम का एक व्यक्ति घायल हुआ था और उसे उपचार के लिए भर्ती कराया गया और उपचार के दौरान बाद में फिर उसकी मृत्यु हो गई। और एक पुलिस इंगेजमेंट थाना पहासू क्षेत्र में हुआ जहां पे कि एक अब्दुल नाम का अपराधी है, उससे पुलिस इंगेजमेंट हुआ और आत्मरक्षा जो पुलिस की कार्रवाई थी उसमें उसके गोली लगी और अभी कुछ देर पहले उसे मृत घोषित कर दिया गया है।
इस संबंध में मुकदमा हम लोग दर्ज करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। इसमें पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं सर? जो कोतवाली नगर क्षेत्र की घटना है उसमें एक सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल चोटिल हुए हैं, इन लोग भी इलाजरत हैं और हमारे दो इंस्पेक्टर्स थे जिनके ऊपर भी फायरिंग की गई, उनके जो उन्होंने बीपी जैकेट पहन रखा था उस पर गोली लगी है और जो पहासू क्षेत्र की घटना है उसमें भी एक कांस्टेबल के चोट आई है। ये सभी इलाजरत हैं, हम अभी इनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, वर्तमान में इनकी स्थिति ठीक है बट अंडर ऑब्जर्वेशन। आशीष ताऊ का कहना है कि सर जो आशीष है उसको पुलिस ने कल पकड़ लिया था, जमानतियों के लिए भी कहा गया था कि जमानती लेकर आप कोर्ट पहुंचिए, लेकिन उसके बाद में अचानक रात को उनको कहना है कि एनकाउंटर खबर मिलती है। ये इस तरीके की बात बिल्कुल भ्रामक है और हम लोग अपनी जो कार्रवाई किए हैं वो सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू लॉ और अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ लॉ की।